भाई रोटेशन चेंज होगी क्या ड्यूरिंग बीजीएस एंड व्हाट डू यू थिंक दिस इज गोइंग रॉन्ग विद द टीम राइट नाउ? तो राइट नाउ द टीम इज कंप्लीटली फ्रेश, तो जो मेंटेलिटी है ना वो मैच करने में भी टाइम लगता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीम्स व्हिच प्ले पबजी एंड बीजीएमआई, ठीक है, अ टीम व्हिच गोस फॉर फ्रैग्स, अ टीम दैट गोस फॉर पोजीशनिंग, एंड देन कम्स अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इन व्हिच यू चूज ईदर वांट टू गो फॉर फ्रैग्स और पोजीशनिंग एंड देन द फ्रैग्स। The old residual was completely based on positioning. Team OR was based on positioning plus skills. Team entity, team TSM, that's completely based on kills then positioning. Right now, what we are thinking to build up a new soul with kills, positioning and kills. So what we are thinking of like getting frags in the early three zones as much as we can. जितने भी kills हमने उठा सकते हैं पहले तीन zone में उठाए, उसके बाद थोड़ा चिल आउट करके बेटर पोजीशन लेके फिर फ्रैग्स करें फिर जोन ले फॉर द विन। ये हम लोग जो माइंडसेट सेट है, बट ये चीज करने के लिए हम लोग को पहला तीन जोन का जो फाइट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को पहला तीन जोन में मरना नहीं है, लूज नहीं करना किसी बंदे को, तो इसीलिए हम लोग पहले तीन जोन में फाइट्स ले रहे जिससे हमारी फाइटिंग स्किल्स बढ़े। फाइटिंग स्किल्स ये नहीं होता कि मैं स्प्रे मार के गिरा दूँ, मैं स्प्रे मार के 300 मीटर भी गिरा सकता हूँ, मैं स्प्रे मार के 10 मीटर पर भी इंस्टेंट गिरा सकता हूँ, बट जब चार अच्छे प्लेयर लड़ते हैं इट्स नॉट अबाउट स्प्रे, इट्स अबाउट ट्रेड्स। एक नॉक, ये नॉक, उसने मेरे को नॉक दिया, फिर मेरे वजह से उसको नॉक दिया, ये ट्रेड गेम। तो ये ट्रेड इंप्रूव करने के लिए हम लोग को पहले तीन जोन में अंधा फाइट लेना पड़ेगा, बस उसका ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इसलिए अपना फकअप हो रहा है। बढ़ा आज का फकअप कल का रिजल्ट रहेगा, चलो दिक्कत नहीं है, हम लोग चिल्ले अगले एक दो तीन टूर्नामेंट जब तक हम लोग को टाइम लगेगा विल डू इट, विल स्टिक टू द टीम, विल ग्राइंड हार्डर, विल हसल टुगेदर एंड विल गेट द ट्रॉफी फॉर यू गाइस।